आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन चैनल एक खबर। नमस्कार साथियों, मैं रीटा डिंपल सोलंकी मटियाला वार्ड 37 एस से वार्ड प्रभारी महिला संगठन में हूँ और ये मेरे पति हैं डिंपल सोलंकी जी। रीटा जी, 2022 का चुनाव है निगम में, महिला सीट होगी, क्या डिंपल रीटा सोलंकी दावेदारी ठोकरी है हमारी पार्टी से? बिल्कुल ठोकरी हूँ जी। क्यों? क्योंकि अब जनता को परिवर्तन की ज़रूरत है और परिवर्तन देखना चाहती है। वो चाहती है एक शिक्षित महिला आगे आए और उनके लिए बढ़ चढ़कर काम करे और उनकी मदद करे। आप टिकट मांग रही हैं वार्ड मटियाला से, आम आदमी पार्टी रीटा पर भरोसा क्यों करे, क्यों टिकट दे? क्योंकि मैं इस पार्टी से शुरू से जुड़ी हुई हूँ और मुझे पता है कि जो हमारे मटियाला वार्ड में है वो समस्या क्या है। मैं महिलाओं से, पुरुषों से इस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ स्टार्टिंग से ही, तो मुझे पता है कि मेरे वार्ड में क्या समस्याएं हैं और मैं उन समस्याओं से पूरी तरह अवगत हूँ, तो मैं लोगों की समस्याओं को आसानी से सुलझा सकती हूँ। रीटा जी, आप दावेदारी कर रही हैं मटियाला वार्ड से और मटियाला विधानसभा आम आदमी पार्टी के विधायक है, आम आदमी पार्टी के ही पार्षद है, तो ऐसा कौन सा काम रह गया जो विकास कराने की जरूरत है और क्या क्या समस्या है वहाँ की? जो उनके काम अधूरे रह गए हैं वार्ड में वो कार्य हम करेंगे और जो हमारे माननीय श्री गुलाब सिंह जी हैं मटियाला विधानसभा से MLA, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे, उनके नेतृत्व में काम करेंगे। और जैसे कि सड़कें बनवाना है, MCD के स्कूल्स को और खूबसूरत बनाना है, वहाँ के बच्चों की समस्याओं को सुलझाना है, मिड डे मील जो है अच्छा मुहैया करवाना है और वहाँ की महिलाओं की, वहाँ के पुरुषों की जो बेसिक समस्याएं हैं उनको दूर करना है। समाज सेवा के तौर पे आपने क्या काम किया मैम? समाज सेवा के तौर पे जैसे कि अभी आप सभी जानते हैं COVID-19 जो फैला हुआ था, सारी जगह ये जो महामारी फैली हुई थी, तो उसमें हमने घर घर जाके राशन पहुंचाया है, हमने सबकी मदद करी है। और कुछ ऐसा भी समय आया था जब लोग एक दूसरे को छूना पसंद नहीं करते थे कोरोना काल में, लेकिन हमने उनके आगे से आगे बढ़कर मदद करी है, उनको दवाइयाँ दी है मुफ्त में और उनके घर तक राशन पहुँचाया है हमने। जब आपने ये समाज सेवी के तौर पे काम किया है तो फिर टिकट की दावेदारी क्यों करें, क्यों आम आदमी पार्टी से आप टिकट की पार्षद की आ रही है? हम समाज सेवा तो स्टार्टिंग से करते आए हैं और आगे भी करते ही जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक समाज सेविका बन के नहीं की जा सकती है। यदि पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं बढ़ चढ़कर उनके लिए काम करूंगी, आगे से आगे काम करूंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो पावर में रहकर ही कर सकते हैं हम। क्या लगता है वार्ड की जनता रीटा डिंपल पर क्यों भरोसा करे, क्यों वोट दे? क्योंकि उन्होंने हमारा कार्य शुरू से देखा हुआ है और हम जब केजरीवाल जी आए थे हमारे मटियाला वार्ड में, उन्होंने भी हमें देखा कि हमने कैसे जनता को जोड़ा है अपने आप से, जनता की भलाई का कार्य किया है हमने और जनता को साथ लेकर कार्य करते हैं हम लोग। रीटा ने जनता को जोड़ा, लेकिन जब वोट देंगे तो आम आदमी पार्टी को जनता वार्ड भी क्यों देगी? क्योंकि केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने इतना कार्य किया है दिल्ली वासियों के लिए, हर घर में बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, आप देखेंगे कि जगह जगह आपको सीसीटीवी कैमरास दिख रहे हैं, वाईफाई लगाए हैं, जो हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी से किए हैं ये सारे कार्य, तो दिल्लीवासी उनके कार्य से बहुत खुश हैं और हर घर की यही सोच है कि अब एक परिवर्तन हो, एक महिला जो इस मटियाला वार्ड से हो खड़ी, शिक्षित महिला जो कि उनके लिए कार्य करे। शिक्षित अगर देखा जाए तो क्या आपके पास शिक्षित में? शिक्षित में देखिए, जैसे कि मैं अध्यापिका रह चुकी हूँ और जैसे कि मैं बच्चों में एक बेस मजबूत करते हैं हम लोग, तो मैं चाहती हूँ हम यहाँ की जनता का जो है बेस मजबूत कर दें, मंजिल अपने आप ही खड़ी हो जाएगी मजबूत, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे इस पार्टी से टिकट मिले और मटियाला वार्ड 37S से, और जिससे कि मैं जनता की सेवा कर सकूँ और मैं कार्य करूँ। रीटा जी, क्या मैसेज देना चाहती है वार्ड की जनता को मटियाला से? मैं मटियाला वार्ड की जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि जो कार्य आज तक हम करते आए हैं, तो आप प्लीज़ हमारी साथ रहना, अपनी छोटी बहन समझ के, अपनी बेटी समझ के ऐसे ही हमारा साथ देते रहना
और हम ऐसे ही हम मिलकर जनता की भलाई का कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर 1 चैनल एक खबर।